हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मुझे आपको एक बात बतानी है कि मैंने आज अपने यूट्यूब स्टूडियो में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, कुछ लोगों ने कर रखा है, कुछ लोगों ने नहीं रखा। तो मुझे उनसे वो एक ही पूछ रही कि लोग क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है चैनल को। तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, जबरदस्ती सब्सक्राइब तो नहीं करवा रहा, आपकी मर्जी करो ना करो, मैं सब्सक्राइब जबरदस्ती ही कर रहा करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को मेरी कोई कुछ लोगों को मेरा चैनल अच्छा भी लगता है, पर तब भी वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर था जो मेरे को मक्खन लगाता था। मक्खन लगाना मतलब पहले तो वो मेरे को अच्छी अच्छी कमेंट करता था, मेरी वीडियो लाइक करता था, बाद में उसने मुझे कमेंट की नाइस वीडियो एंड आई एम सब्सक्राइब यू। मैं ये देखते शौक हो गया कि जी पहले तो मेरे को अच्छी अच्छी कमेंट करता था और अब बोल रहा है कि आज सब्सक्राइब यू, मतलब पहले मैं सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा था इसने। तो ये देखिए मुझे बहुत ही गुस्सा आया उस पर, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा उसे कि छोड़ो भाई जाने दो, सब कर तो दिया ना उसने। लेकिन इससे मतलब नहीं है कि कोई सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बस ये जानना है कि मेरे चैनल से किसी को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों नहीं करते। इसलिए मैंने यूट्यूब अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखा कि कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो बस ये पूछा है क्यों नहीं करते। या फिर आप वीडियो अच्छी नहीं बनाता, मैं तो ठीक है, मैं अब तो थोड़ा वीडियो ढंग का बनाना, वीडियो क्वालिटी ढंग का करता, लेकिन अगर ये भी किया लेकिन तब भी शायद कोई और रीज़न होगा आई थिंक। तो और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है कि ये चपाती भाई जैसी वीडियोस बनाते हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि जो चपाती भाई जैसे वीडियोस बनाते हैं और उनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं, फिर हज़ारों व्यूज मिल जाते हैं, और मैंने सुना है उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, 1,000 सब्सक्राइबर, वो 80,000 सब्सक्राइबर, इतने सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो मुझे देख के ना अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो लगता है कि हाँ इनका चैनल इतना अच्छा सा ग्रो हो रहा है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग चपाती भाई जैसी वीडियोस बनाते हैं, इनको तो अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, एक अगर चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि एक दिन भाई 1 लाख पहुंच जाएगा वो। तो ये देखते मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चैनल ग्रो हो रहा है उसका। बट वो भी चपाती भाई जैसी वीडियो बनाता है, थंबनेल भी बिल्कुल उनके जैसे बनाता है और वीडियो उनकी दुबई सिटी में ही बनाता है। पर मैं भी तो यही करता, पर मेरे को उतने व्यूज नहीं मिलते। मुझे पता है यूट्यूब पे जब चैनल बनाते तो जगह बनानी पड़ती है, ऑडियंस के चेहरे पर स्माइल लाना पड़ता है। लेकिन अगर इतना भी करने के बाद हम डीमोटिवेट होते हैं तो कुछ लोग तो यूट्यूब छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो बनाते रहते हैं कि हाँ हमें कुछ हम कर सकते हैं ये सोच के। तो ये बात सच है, हर यूट्यूबर कहता है, हर मतलब टेक्निकल यूट्यूबर्स कहते हैं कि हार मत मानो, करते रहो तो एक दिन सफलता मिलेगी, तो मिलती भी है वैसे। तो मुझे एक बार जानना है कि बाकी लोग, बाकी यूट्यूबर्स हैं, वो नए नए यूट्यूबर्स हैं, वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं चपाती भाई जैसे, तो उनको इतने व्यूज मिलते हैं, मुझे तो मिलते नहीं। मतलब मैंने भी स्टार्टिंग किया था उनके जैसे वीडियो बनाना, मेरे को अच्छे खासे व्यू मिलते थे, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं मिल रहा। और फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो चपाती भाई जैसे वीडियोस बनाते हैं और उनके दुबई फिट में वीडियो बनाते हैं कि गाइस जैसे चपाती और वीडियो बनाते हैं ना कि आज हम टिकटॉक हैक करेंगे, वैसे वो भी वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब बहुत सारे उनको देखा है और एक के तो एक दिन में 1,000 सब्सक्राइबर हो गए वो वीडियो डालते ही। मतलब 21 वीडियो थी, 21 या 22 23 वीडियो थी उसके चैनल पे, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए इतनी जल्दी, और व्यूज तो कम आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर एक दिन में इतने कैसे हो गए। मैं तो थोड़ा शौक हो गया कि इतनी जल्दी कैसे हो गए, मुझे ऐसा लगा था कहीं इसने फेक तो नहीं लिया, बट मुझे लगा था रियल नए बंदे ने मेहनत की है, तो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इसके इतने कैसे होगा, क्योंकि अगर 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो व्यूज भी चैनल पर ज़्यादा ही मिलते हैं, कम नहीं मिलते। आई मीन कुछ लोगों को कम मिलते हैं, थोड़ी जरूरी थोड़ी कि कुछ सब्सक्राइबर एक्टिव ही रहते हैं हमारे चैनल पर, कुछ भी नहीं कुछ नहीं भी रहते हैं इसलिए। तो मैंने उनको देखा कि ऐसी वीडियोस बनाते, तो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता था, उनको कोई शिकायत नहीं करता था, मतलब उनको सब वो लाइक करते हैं, तो उनको सब्सक्राइब करते हैं, अच्छी कमेंट करते हैं, और मैं भी उनके जैसे वीडियोस बनाता था, क्योंकि मुझे उनकी वीडियो उनके जैसे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने वीडियो बनाना तब शुरू किया था, मैंने चपाती भाई को देखा, चपाती भाई से सीख के मैंने वीडियो बनाना सीखा, चपाती भाई की वीडियो देख के मुझे उनका कंटेंट देख के मतलब पसंद आ गया, तो इसलिए मैंने उनके जैसे वीडियो बनाना शुरू किया। ठीक है, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा, मैंने उनको सब्सक्राइब किया, उनकी वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर जब लॉगी भाई का भी चैनल पता चला मेरे को, तो उनका भी कर दिया मैंने सब्सक्राइब, और फिर मैं सबकी वीडियो देखता था, लॉगी भाई की भी चपाती भाई की भी। तो मैंने सोचा उनके जैसा कुछ करूं मैं भी, तो मैंने किया, और मुझे पता है मुझे तो वो अच्छा व्यू सब्सक्राइबर भी मिल गया था। लेकिन जब से चपाती भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में चैनल खोला है, जब से चपाती भाई ने लाइव स्ट्रीम में अपना चैनल मतलब मेरा चैनल खोला है अपनी, तब से उस दिन से मेरे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए उनकी वजह से। तो उनको मैंने थैंक यू बोलने के लिए वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो जिसमें चपाती भाई ने मेरा चैनल खोला था। और चपाती भाई ने बोला था कि मेरा चैनल फेक है, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम रखा था मिनी चपाती फैन, और आपको देख लीजिए मेरे चैनल पे मेरा चैनल पे जो लोगो है, लोगो किसका लगा हुआ है। तो ये देखिए चपाती भाई को लगा कि मेरा चैनल फेक है, और
और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि छुपाती भाई मेरी वीडियोस देखते हैं कभी कभी, तो ये सुन के तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया, लेकिन मैं अच्छी तरह से तो नहीं जानता कि वो सही में देखते कि नहीं देखते, क्योंकि शायद मेरा सब्सक्राइबर झूठ भी बोल सकता है, तो मेरा फ्रेंड था मेरा सब्सक्राइबर तो वो झूठ भी बोल सकता है आई थिंक। तो वो क्या है, मैंने उससे पूछा क्या प्रूफ है तेरे पास, तो वो कह रहा था कि छुपाती भाई ने अपनी वीडियो में अपनी लाइव स्ट्रीम में खुद कहा था। तो मैं तो लाइव स्ट्रीम देख नहीं रहा था, मैं तो लाइव स्ट्रीम देख नहीं रहा था उनकी, मैं तो थोड़ा बिजी था इसलिए तो मैं नहीं देख पाया उनकी लाइव स्ट्रीम, क्योंकि बड़ी लाइव स्ट्रीम ना थोड़ा बोर कर देती है। फिर भी छुपाती भाई अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी वीडियो उनके चैनल को बुरा नहीं बता रहा, अच्छा है वो भी हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी वीडियो देखता जब भी बोर होता तो उनकी वीडियो देखने में अच्छा लगता है मेरे को, कभी रात में देख लेता नींद नहीं आती तो कभी सुबह ऐसे ही बस देखता रहता मैं। और छुपाती भाई का कंटेंट देख के मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, मैंने भी सोचा मैं भी इनके जैसे कुछ बनाऊँ, और फिर मैंने बनाया और फिर व्यूज़ तो मिले थे अच्छे खासे, है ना। तो बाकी यूट्यूबर्स तो ऐसे करते हैं तो उनको इतने अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं उनको एक दिन में इतने, एक पता नहीं किसी ने छुपाती भाई जैसी वीडियो बनाता था उन्हें कम से कम 300 वीडियो 335 वीडियोज़ को अपलोड करी थी अपने चैनल पर, और उसके 80,000 सब्सक्राइबर रोज, इतने तेज़ी से इतना चैनल सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके। आई डोंट नो वैसे क्या डालते हैं, हाँ तो या फिर वो अच्छी एडिटिंग करते हैं, या फिर मतलब मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो छुपाती भाई जैसे वीडियो बनाते हैं, या फिर वो अच्छी एडिटिंग करते हैं, या फिर वो लोग वीडियो अच्छी बनाते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर वो अच्छी एडिटिंग करते हैं तो मैं भी अच्छी एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन तब भी मुझे पता है सब्सक्राइबर व्यूज इतने नहीं मिलेंगे मुझे, क्योंकि मुझे पता है ना क्योंकि इतने सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, व्यूज नहीं मिलेंगे, और मिलते ही सब्सक्राइबर तो एक दो ही मिलते हैं, और उसका तो चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मतलब एक दिन में उसके 80,000 या 90,000 हो ही गए थे आई थिंक, मुझे पता है हो गए थे शायद, और एक मिनट, हाँ उनके इतनी जल्दी हो भी गए थे, मैं तो देख के थोड़ा शॉक हो गया कि इतनी जल्दी कैसे हो गए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने बोला ठीक चलेगा, इसके कुछ ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाता होगा लेकिन एडिटिंग अच्छी करता होगा शायद वो, इसलिए है होता है, तो मैं भी अच्छी एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मुझे पता है तब भी नहीं होगा, मुझे पता है तब भी थोड़ी होगा मेरे साथ, तब भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, बिकॉज थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भाई उसने क्या मेहनत की, उसने मेहनत तो की नहीं, बस उनके छुपाती भाई जैसी वीडियोज़ बना ली और व्यूज़ मिल गए उसे, अभी मेहनत की थी उसने, मैं ये मजाक नहीं कर रहा कि वो मेहनत करता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग अच्छी करता है, एक बार मैंने उसकी वीडियो देखी थी, एडिटिंग इतनी अच्छी करी थी, मतलब एडिटिंग करने में आधा घंटा एक दो घंटे लगी गए होंगे आई थिंक उसको, मुझे पता है, तो भी मैंने खुद उसकी वीडियो देखी थी और मुझे पता है एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया होगा, और ऐसी एडिटिंग करना ना मेरे को ना बहुत ही अनोइंग लगता है, मतलब बोरियत महसूस फील होता है। और उनका एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है मुझे नहीं पता, उनका एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा मुझे नहीं पता, अगर वो सॉफ्टवेयर मेरे पास भी होता तो मैं भी अच्छी एडिटिंग कर पाता, लेकिन मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना कि क्योंकि और वो पीसी में खेलता है, मेरे पास पीसी नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, इसलिए कि फिर किसी लोगों के पास मोबाइल होता है ना तो उनको भी इतनी व्यू सब्सक्राइबर नहीं मिलते अच्छी एडिटिंग करने के तौर पर। तो भाई एक मिनट, एक बात बतानी है, जो व्यूज देते हैं जो वो वीडियो की एडिटिंग देखने आते हैं ना, वीडियो का कॉन्टेंट देखने आते हैं, अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियो एडिटिंग मत करो, करो भाई, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर और ये लाइक वगैरह सब उसको ही मिलते हैं, और मुझे पता है मेरे को मिलते हैं लेकिन नहीं मिलते क्योंकि आप पता नहीं क्या हो गया चैनल को, कुछ ज़्यादा व्यूज आते ही नहीं है, तो मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुआ था। कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं जिनके व्यूज नहीं होते, वो भी डिमोटिवेट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब यूट्यूबर डिमोटिवेट नहीं होते, शुरुआत में सबको ये प्रॉब्लम पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो वीडियो अपलोड करते जाते हैं उनमें उतना ही अच्छा मिलता चला जाता है जो भी करते हैं। तो देखो उसने तो ज़्यादा वीडियो अपलोड की थी बट उसके एक दिन में इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, इतने तो शायद यूट्यूबर्स के भी नहीं बढ़े होंगे, I mean, उसके एक दिन में 90K सब्सक्राइबर हो गए आई थिंक, 90K मतलब 90K या 98K हो गए, इतनी तेज़ी से बढ़ा, इतना तेज़ी से ग्रो हो गया उसका चैनल। ये देखिए मुझे अच्छा लगता है कि सबका चैनल तो ग्रो हो रहा है, आई डोंट नो डालते क्या है वो चीज़, मैं भी डालूँ तो मुझे पता नहीं मिलेगा इतना सपोर्ट, बट फिर भी देखते हैं। और वैसे भी मैं इनको हेट नहीं करता, जो भी वीडियो बनाते हैं अच्छा कर रहे हो करो, मैं इसलिए मना नहीं करता, लेकिन जो भी है पर उनको, हाँ मुझे पता है वो छुपाती भाई जैसे वीडियो तो बना लेते हैं, उनको व्यूज अच्छे खासे मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे नहीं मिलते, और ज़्यादातर तो मुझे कमेंट में लोग बोलते हैं कि मैं फेक हूँ, मेरे को बोलते हैं फेक यूट्यूबर, बहुत सारे लोगों ने मुझे फेक बोला, जब छुपाती भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था कि ये फेक है तो सब मुझे फेक फेक करने लगे, बाकी लोग सब्सक्राइब कर रहे थे और कुछ लोग फेक बोल रहे थे, मतलब वही ना लवर और हेटर सबके चैनल पे होते हैं, सबके चैनल पे छुपाती भाई के चैनल पे भी होते हैं, सबके चैनल पे होते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल पे ही है, सबके चैनल पे होते हैं, लेकिन फिर वो हेटर को इग्नोर करते हैं,
वो इसको रिप्लाई करते नहीं है, मुझे पता है बड़े यूट्यूबर रिप्लाई थोड़ी करते हैं अपने हेटर को, बस कमेंट पढ़ लेते हैं और रिप्लाई करते नहीं है वो लोग, क्योंकि वो रिप्लाई करके क्या उखाड़ लेंगे वो लोग, इसलिए क्या उखाड़ लेंगे मतलब क्या कर लेंगे रिप्लाई करके, टाइम वेस्ट और होगा इनको रिप्लाई करने के चक्कर में, इसलिए रिप्लाई नहीं करते। मैं भी रिप्लाई नहीं करता, बहुत कम करता तो जब पानी सबसे ऊपर उठ जाता है तो मैं रिप्लाई करता, लेकिन ऐसे मैं रिप्लाई नहीं देता किसी को कि हाँ एक बार किसी ने आके बकवास कर दी। और अगर मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड जो मेरी सोसाइटी में ही रहता है वो मुझे आके ऐसे ऐसे बोलते हैं तब तो मुझे गुस्सा आता है, तब तो सारा गुस्सा मैं उसको सोसाइटी में ही पकड़ के निकाल लूँ ये। और जो बाहर के बोलते हैं जो मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि क्योंकि बड़े ड्रोवर के भी हीटर होते हैं वो भी कुछ नहीं बोलते ना इसलिए। तो गाइस मुझे बस इतना बोलना है मेरा चैनल फेक नहीं है, अगर फेक होता मुझे पता है चैनल फेक नहीं है मेरा, बस मैंने चपाती भाई जैसा नाम रख रखा है मिनी चपाती फैन। हाँ तो बस मुझे उनको इतना ही बोलना है जो मेरे चैनल को बार बार फेक बोल रहे हैं, मेरा चैनल फेक नहीं है, बस मैंने चपाती भाई जैसा नाम रख रखा है उनके जैसा नाम रख रखा है मिनी चपाती फैन इसलिए। और मिनी चपाती फैन मतलब मिनी चपाती फैन, मैं उनका फैन हूँ इसलिए मैंने मिनी चपाती फैन रख रखा है, वरना मैं नहीं रखता। और जो लोग मिनी चपाती और मैंने और आपको आपने मेरा लोगो तो देखा ही होगा, मेरा लोगो कैसा है, चपाती भाई का लोगो है, तो ये देख के लोगों को लगता है कि मैं छिपाती हूँ, मैं रियल छिपाती हूँ। और जब भी मैं किसी की वीडियो पे अच्छा कमेंट करता तो कोई ना कोई मुझे रिप्लाई करता है कि छिपाती बिग फैन, तो मुझे ना ये देख के अच्छा ही लगता है कि मैं छिपाती नहीं हूँ और मुझे बिग फैन बोलते हैं, मतलब छिपाती भाई अरे यार मेरे बंदे ने मेरे को नेड कर दिया, लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ है, मतलब कुछ लोगों को आपको ये समझ में आना चाहिए कि छिपाती भाई के चैनल का नाम है छिपाती हिंदुस्तानी गेमर, ना कि मिनी छिपाती फैन, बस मैंने लोगों ऐसा रखा है इसलिए सबको गलत फहमी हो जाती है, तो ऐसी फहमी मत पढ़ो, क्योंकि आप पहचान सकते हो ना कि कौन सा चैनल छिपाती भाई का, कौन सा मेरा है, मिनी छिपाती फैन मेरा चैनल है और छिपाती भाई का है छिपाती हिंदुस्तानी गेमर। उनको समझाने का ट्राई किया है पर कभी कभी तो मुझे ऐसी कमेंट आ जाती है इसलिए। तो गाइस मेरा चैनल फेक नहीं है, फेक मत बोलो आके, मैंने बस उनके जैसा नाम रखा, चाहे तो मैं अपना नाम चेंज कर दूँ चैनल का, लेकिन अब मुझे सब लोग मिनी चपाती के नाम से जानते हैं, शुरुआत से मैंने मिनी चपाती रख रखा है तो मुझे मिनी चपाती के नाम से जानते हैं, इसलिए अब मैं वो नाम चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे फेक मत बोलो क्योंकि ये सब देख के अच्छा ही लगता इसलिए। माना कि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी होते हैं जो चपाती भाई के चैनल का नाम रख के और उनकी वीडियोस री अपलोड करते हैं पर मैं थोड़ी ना इनकी वीडियो री अपलोड करता, उनको सब लोग फेक यूट्यूबर बोलते हैं, कुछ लोग तो उनको बिग फैन बोलने लगते हैं फेक यूट्यूबर्स को, मतलब जो चपाती भाई का नाम रख के और चपाती भाई की वीडियोस को री अपलोड करते हैं उनको बिग फैन बोलते हैं, ये देख के पता नहीं क्या होता है उनको, उनका दिमाग कैसा है आई डोंट नो। तो मेरा चैनल फेक नहीं है, फेक मत बोला करो। और ये मुझे पता है ये बाकी यूट्यूबर जो नया नया ये कैसे व्यूज लेते हैं, इनने ज़्यादा वीडियोज डाले तो ज़्यादा वीडियोज डालने पर ही शायद वो कुछ सब्सक्राइबर वगैरह मिलते हैं, मेहनत करते रहना चाहिए इसलिए। तो अगर आपको ये बात सुन के अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको भी चैनल मतलब मेरे चैनल का वो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरा मतलब है, और मत करना ही नहीं करना तुम्हारे मजे पर कर दो। तो मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।